नमस्कार दोस्तों मैं हूं डीजे आपका स्वागत है मेरे चैनल में uh, आज मैं एक्चुअली आया हूं बताने के लिए कि हमारे जो ऑनलाइन uh, कोर्स का जो uh, पिछले 10-15 दिन uh, तो से हम लोग चला रहे थे बेसिकली तो ऑलमोस्ट अभी 11 से 12 बारह स्टूडेंट्स तक हो चुका है अभी भी बहुत लोग भेज रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक दो बैच हुआ है अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मेल कर देना मेरा आवाज़ और वीडियो सब सही आ रहा है कि ज़रा बता दीजिए अगर नहीं है तो फिर मैं उसके हिसाब से आप लोगों से बात करूँगा तो हाँ बारह स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हो चुका है तो कल से हमारा पहला क्लास चल रहा है तो उसके ऊपर से मैं इसलिए बताना चाहता था कि एक प्रूफ के तौर पे बहुत लोगों को शायद ये भी रहेगा यार अभी ये लोग पैसा लेगा बाद में आएगा नहीं आएगा बोल के मुझे मालूम है बहुत लोगों को होता है ऐसा डर होता है कि यार ये ऑनलाइन में जो हम लोग पेमेंट करते हैं शायद कभी कभी सेफ नहीं होता ये सब बोल के तो वो एक प्रूफ ऑफ जो है इन वॉयस मैंने जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किया उन लोगों को आ, मैंने भेजा है प्लस उनको मेल भी किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेल मैंने किया और उनका जो है डिटेल जो है अभी उनके साथ कॉन्टैक्ट रहेगा मेरा ये जो आ, जो एक डेढ़ महीने का जो हमारा कोर्स है उसके हिसाब से आ, तो अभी जो जो लोग आए अभी लवि शर्मा हमारे एडमिन पहले ही आ गए रिहान खान केपी पी बंताई दुलाल प्रथम प्रथम डीजे जे शाह कैसे हो मेरा ऑडियो और वीडियो आप लोग को सही आ रहा है कि नहीं आ रहा जरा बता दीजिए तो मुझे मालूम है थोड़ा लेट हो गया जाने के लिए आ, बहुत लोग सो चुके होंगे नहीं तो यू नो अपने काम पे लगे रहेंगे तो बस मैं इसके लिए बताने के लिए आया था कि आ, सब लोगों को बताने के लिए कि इतना इतना स्टूडेंट ज्वाइन किया और उनका नाम भी मैं जरा ले लूँ आज दीपेंद्र सैनी कैसे हो गुड इवनिंग पारस सिंह प्रवीण सैन तो बहुत लोग नए लोग नए लोग का भी नाम दिख रहा है मेरे को थैंक यू सो मच आप लोग मेरा चैनल में सब्सक्राइब किया हुआ है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रख रहे हो और एफ एल स्टूडियो और ऑडियो इंजीनियरिंग सीखने के लिए और ये चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है साई ग्रेस वॉल सर प्लीज़ कंप्रेसर समझा दो Uh, साई जी ऑलरेडी uh, मेरा कंप्रेसर का ट्यूटोरियल आप उसमें जाके चेक कर सकते हो वीडियो है ऑलरेडी मेरा आप चेक कर सकते हो मेरे वीडियोस में जाके उसमें मैंने अच्छी तरह मैंने कंप्रेसर का मैंने दो तीन जगह पे दो तीन वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है म्यूजिकल कवर सौरभ सर प्लीज़ रिप्लाई कि यफ स्टूडियो में बिना किसी मीडी की या कोई एक्सटर्नल चीज का प्रोफेशनल सॉन्ग बना सकते हैं कैलाश जी मैंने कोई मीडी कीबोर्ड कुछ भी यूज़ नहीं किया हमने जब ये ये खुदा जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे सब एफ एल स्टूडियो के अंदर से ही बनाया मैंने तो यस आप लोग बना सकते हो प्रोफेशनली गजब ऑडियो वीडियो आ रहा है सर थैंक यू सो मच पारा सिंह जैसी रिकॉर्ड्स कैसे हो सौरव हेलो सर बहुत आ, डर हो गया डर क्यों हो गया सौरभ जी कैसे अनरोल हुए मैं आपको अपना सॉन्ग और मेल किया था Uh, सुख प्रेवल uh, मैं एक्चुअली बिजी था ये दस पंद्रह दिन बेसिकली जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मुझे मटेरियल्स uh, बना के भी भेजना था ई मेल भी था उनसे मेरे को मैसेज भी करना था व्हाट्सएप में वो सब वो सब तो मैं बहुत बिजी था इसके चक्कर में तो वो सब मैं आपका जो है रिप्लाई मैं बाद में दूंगा तो अगर आपको ज्वाइन करना है डी जे न्यूट डी एक्स बी एट जी मेल डॉट कॉम में भेज दीजिए थर्ड बैच हमारा शुरू हो रहा है अगले हफ्ते ये हफ्ता तो अभी बेसिकली मैंने ले लिया तो थर्ड बैच पर अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो अभी भेज सकते हो मुझे मेल नमस्कार दिल सुख कैसे हैं अनरुएं मैं आपको अपना सॉन्ग मेल किया था सुख मैंने बता दिया आपको जमील अहमद हलो सर ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू मेड मैनी बीट्स इन एफ एल स्टूडियो बाई वॉचिंग यू टूडर थैंक यू सो मच जमील uh, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत ही अच्छे वर्ड्स के लिए थैंक यू सो मच और सीखते रहिए मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ मैं भी हर दिन सीखता हूँ बहुत कुछ नया चीज़ें आते रहता है तो सीखते रहिए सीखना बहुत अच्छा चीज़ होता है हमारे दिमाग को भी फ्रेश रखता है हाउ हाउ यू डू हाय सर कैसे हाउ यू डू कैलाशी थैंक यू गुरुजी बहुत हेल्प करते हो आप थैंक यू सो मच कैलाश जी आप लोग का ही वजह से मैं हूँ इधर और डेफिनेटली अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने के लिए और आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि इंडियन सॉन्ग कैसे बनाते हैं एफ स्टूडियो पर जमील साहब एफ स्टूडियो पर इंडियन सॉन्ग का बात नहीं होता इंडियन सॉन्ग बहुत तरीके के इंडियन सॉन्ग्स होते हैं अभी कैसे इंडियन सॉन्ग बनाऊ मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा बहुत ही अलग अलग कल्चर है हर जगह से नॉर्थ से लेकर साउथ तक तो कौन सा कल्चर में बना रहे है वो बता दीजिए आप विनीत धीमन बहुत हेल्पफुल हो सर आप आई आप्रिशिएट यूरा फिर थैंक यू सो मच विनीत जी फॉर योर काइंड वर्ड्स सर एडमिन कोई नहीं आया न्यो न्यो सर एडमिन है ऑलरेडी लेविश जी है ऑलरेडी उधर डीजे जे शर्मा सर आई वांट इंडियन लाइब्रेरीज फॉर कॉन्टैक्ट Uh, शानव मेरे पास भी इंडियन लाइब्रेरीज नहीं है ख़रीदना पड़ता है लाइब्रेरीज तो अभी तक मैंने भी नहीं ख़रीदा अगर uh, फ्री में मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को लिंक भेज दूँगा uh, सर आपकी तबीयत ख़राब लग रही है आज ख़राब नहीं है अंडरग्राउंड म्यूजिक बिकॉज मेरे को जो है थोड़ा आज बिजी था पिछले एक हफ्ते से स्टूडेंट्स जो है ग्यारह बारह स्टूडेंट्स जो ज्वाइन किया उनका जो है मैसेज उनका जो ट्रांजैक्शन पैसा जो लोग भेज रहे मैं नहीं चाहता है कि किसी का पैसा भेज हो और किसी को ऐसा नहीं लगे कि मैं किसी को ठग लूंगा क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है मैंने देखा है बहुत लोगों का पैसा लिया हुआ है और बाद में सिखाते नहीं है मैं उनमें से नहीं हूँ तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इसलिए मैं ये एक एजे एक प्रूफ देने के लिए आया था कि आज जो जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया उनको मैंने मेल भी किया है और उनको इन्वॉइस भी भेजा मैंने पर्टिकुलरली पेपाल से ही हमने किया है और जो पेपाल से पे नहीं कर पाए थे मैंने उनको आ, मेरा ब्रदर इन लॉ का जो है अकाउंट दिया था फिर उसके उधर से वो मेरे को पे करेंगे उधर से तो ऐसे भी मैंने हेल्प किया तो हम लोग बहुत ही बिजी थे तो आई एम सॉरी सर हाउस म्यूज़िक का थर्ड ट्यूटोरियल आएगा रोहित कल मैं डालूंगा हाउस म्यूज़िक का जो थर्ड ट्यूटोरियल है मेरे जो क्लासेस चल रहे उसके बाद तो होपफुली कल शाम तक नहीं तो कल दोपहर तक मैं कोशिश कर दो तो अगर मैं डाल सकता हूँ अगर मैं फ़्री हुआ तो ठीक है प्रवीण सैन सर छोटा सा क्वेश्चन है मेरे एफ एल पियानो रोल में एक ही सुर पे काम कर रहा है चेंज नहीं हो रहा है बेस लाइन के लिए प्लीज़ बता दो प्रवीण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है अलस मैं देखूंगा नहीं चेक नहीं करूँगा आप एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे मेल कर दीजिए मैं चेक करके शायद आपको हेल्प कर सकता हूँ सर वोकल रिकॉर्ड करते टाइम कितना डी होना चाहिए वोकल रिकॉर्डिंग के टाइम हमेशा हम लोग माइनस नाइन रखते हैं हम लोग तो माइनस नाइन कंप्रेसर डाल के आप लोग रिकॉर्डिंग करना माइनस नाइन डी के नीचे श्रीकांत डीजे श्रीकांत मैं ठीक हूं इट्स टूल आई मीन इंडिया आई वॉज मेकिंग सम साउंड ऑन आई फेल स्टूडेंट जस्ट योर लाइव नोटिफिकेशन यस पार सिंह आई नो आई केम अ लिटिल बिट लेट बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन टुवर्ड्स टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू जॉइन हुज आर हु टूमो सो आई थॉट आई जस्ट इन्फॉर्म देम ऑलसो अबाउट दिस सो आई एम जस्ट कमिंग नाउ आई एम रियली सॉरी ये लो Hey DJ, Nyo, how are you doing? This is Buddha watching you live from San Francisco, California. You have been doing great helping and teaching. Really nice of you. God bless you. Keep up the good work. Thank you so much, Buddha, for these kind words. I really appreciate my subscribers uh, giving me these kind words. Um, yes, I love music, and uh, with that, uh, whatever I've learned, whatever knowledge I have, I'm just trying to share it with all the people. and uh, I I I actually hope that you know someone comes up with good music tomorrow and becomes big. Uh, I didn't get a chance to become that big, so I really appreciate if someone from my students becomes big and I'll be really proud about that. Uh, lyrics Lalit uh, sir, मैं भी join करना चाहता हूँ. Lyrics Lalit जी, आप मुझे djniodxby@gmail.com पे mail कर दीजिए. हमारा next uh, batch जो है अगले हफ्ते शुरू होगा, तो मैं उसका details आपको भेज दूँगा. कितना प्राइस लगेगा सब कुछ ठीक है सर आपकी पूरा ट्यूटोरियल मैंने देखा है नाइस सर टीचिंग थैंक यू सो मच सुकांता कौशिक नास्कर मैं ठीक हूँ कौशिक गौरागा सर ढोल दो, ढोलक का सैंपल यूज करके ढोलक बीट कैसे बनाए गौरांगा जी मैं ढोलक का सैंपल जो यूज़ करता हूँ बेसिकली मैं कॉन्टैक्ट यूज करता हूँ मैं वो मैंने खरीदा हुआ है तो दूसरा जो है सैंपल मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ करता हूँ तो उसी के पीछे पड़ जाता हूँ मैं ज्यादा इंस्ट्रूमेंट के पीछे पड़ता हूँ तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो मेरे को जो जरूरत है मैं वही लेता हूँ सर याविन क्या कर रहा है पीछे <laughs> याविन आ, वो टीवी देख रहा अभी तो स्कूल तो बंद है ना तो जस्ट से हेलो टू अंडरग्राउंड रैपर्स से से हेलो टू अंडरग्राउंड रैपर्स से हियर हियर हाउ आर थग लाइफ सर जी कैसे हो दुबई में लॉकडाउन है क्या प्लान है थग लाइफ थैंकफुली खुदा का रहम है कल लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो हम लोग कल से शायद काम पे जाएंगे मालूम नहीं है कल बाहर जाके निकलेंगे तो पता चलेगा लेकिन फिर भी हम लोग को मास्क और ग्लाउस सब पहन के जाना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग रखना है लव यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच साई वॉल्कनो इट्स बीट हेलो सर हाउ आर यू वॉलकानो सर मेरा भी कुछ क्वेश्चन है सैड सॉन्ग के लिए कुछ कॉर्ड्स के बारे में वीडियो बनाइए सुकांता जी सैड सॉन्ग्स के लिए आप सबसे ज़्यादा माइनर कॉर्ड्स यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा आपको वो फील आएगा माइनर कॉर्ड्स हमेशा सैड सॉन्ग के लिए बनता है थोड़ा इमोशनल जो है माइनर कॉर्ड्स में होता है सर मैं लाइव आ गया थैंक यू सो मच सतीश आज थोड़ा जल्दी आ गए आप पहले नहीं तो हमेशा मिस हो जाता सतीश जी आपका सर एंड्रॉयड कौन सा ऐप वॉइस रिकॉर्डर के लिए अच्छा है Uh, बेटा मुझे मालूम नहीं है एंड्रॉयड का अभी तक मैंने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करके मैंने देखा नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इधर साउंड कार्ड और सब कुछ है तो मैंने देखा नहीं है मुझे माफ़ करना अगर कोई है तो बता दीजिए आर के आर जी, uh, uh, जी एंटरटेनमेंट के लिए कि एंड्रॉयड में जो रिकॉर्डिंग ऐप कौन सा सबसे अच्छा है कैलाशी सर एफ एल मोबाइल पे वीडियो आएगी फ्यूचर में Uh, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत लोग पूछ रहे हैं मोबाइल पे जो है लेकिन uh, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा मुझे मालूम नहीं है मोबाइल से जो है वीडियो कैसे बनाऊँ तो मैं वो जरा कोशिश करूंगा कि वो कैसे रिकॉर्डिंग करके आप लोग को मैं दिखाऊँ डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा ठीक है uh, एफ एल पैटर्न के अंदर जो वॉल्यूम ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है वो कंट्रोल कैसे करें uh, मैं समझा नहीं कौशिक आप क्या बोल रहे हो ऑटोमेटिक एफएल पैटर्न में कौन सा वॉल्यूम कंट्रोल होता है मैं समझा नहीं मैंने आज तक देखा नहीं है वो सर जी मैं क्यूबेज यूज कर रहा हूँ वोकल की क्वालिटी नहीं आ पा रही है क्यों नहीं आ पा रही है आप मिक्सिंग बराबर कर लीजिए लिरिक्स ललित आपका आना चाहिए मिक्सिंग का तरीका सब सेम होता है जो न, जो मैंने एफ स्टूडियो में दिखाया आपको आना चाहिए कहा हो कैसन बाबा ब्लैक ड्रॉप <laughs> ब्लैक <ड्रौ। laughs> ब्लैकड्रॉप भी आगे हमारे जो आदमी है बहुत ही मूड में लग रहा है आज गांव के स्टाइल में आज वेलकम कर रहे हैं हमको सर सॉन्ग को कैसे रिमिक्स करते हैं ए टू जेड फूटो टुटोरियल बता दीजिए मैं वो बता सकता हूँ आप लोगों को लेकिन मैं प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता बिकॉज रिमिक्स करने के लिए डेफिनेटली मुझे दूसरा किसी का गाना निकाल के करना पड़ेगा जिसमें कॉपरेट डेफिनेटली लगने वाला है तो मैं आपको एक आ, क्या बोलते हैं एक ट्रेनिंग ट्यूटोरियल दे सकता हूँ बात करके बता सकता हूँ आप लोगों को सर आर्टिस्ट नेम कैसा है मेरा वॉलकानो इट्स बीट आ, आप तो वल का हो यार आ, क्या बोले अभी आर्टिस्ट आपका पसंद में आपने रखा है ऑफ कोर्स अच्छा है <laughs> सर मजा नहीं है मोबाइल पे श्रीकांत जी जिसके पास लैपटॉप और यू नो वो नहीं रहते कंप्यूटर नहीं रहते वो लोग ये कोशिश करते हैं कि मोबाइल से काम चला ले तो एफ एस टूडो का एक अच्छा मूव है कि मोबाइल में दे जाए थोड़ा वो इंटरेस्ट बन जाता है म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने के लिए भी आ, लेकिन मोबाइल में क्या कॉर्ड्स और स्केल्स बनाने का मेरे को मालूम नहीं है कैसा है तो मैं एक दिन चेक करूँगा फिर पता चलेगा हमारे जो आ, मेंबर है प्रशांत शर्मा जी आ चुके हैं हमारे जो गोल्ड मेंबर है मैं भी आ गया आ, क्लास में हज़ारें लगाने के लिए थैंक यू सो मच प्रशांत जी प्रशांत जी अभी यूएस में है वो आईटी आईटी आई में है शायद मैं उनसे एक्चुअली मेल पे देख रहा था मैं बहुत ही अच्छे इंसान है वो भी हेल्प करना चाहते थे बहुत गरीब लोगों को तो मैंने उनको बोला अभी तक मेरे पास ऐसा कोई आया नहीं कि जो इतना गरीब है कि वो स्पॉन्सर कर पाए एनी वेज प्रशांत जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन ज्वाइनिंग एस लवि शराब नाचने लग गया अभी पता नहीं क्या हो गया उनको अचानक मूड में आ गए सर आपका नोटिफिकेशन बैन हो गया था गलती से आज चेक किया तो पता चला नोटिफिकेशन बैन क्या होता है सतीश जी मुझे पता नहीं नोटिफिकेशन बैन क्या होता है तो बंद हो गया नोटिफिकेशन बंद हो गया था हाँ बंद हो गया था वो पता नहीं क्यों बहुत लोग बोल रहे हैं लेकिन बहुत लोग को किस किसी को आज मेरा लाइव आने का नोटिफिकेशन मिला कि नहीं मिला बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है बहुत लोग को मिल रहा है है ये शायद शायद का ग्लिच रहेगा वो हो सकता है। सर फोन का साइज बहुत छोटा है या कौन सा फोन चैट का फॉन्ट है यार इधर मेरे को बहुत बड़ा दिख रहा है अभी ये जो है एक प्रोग्राम है आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दिस मच सर मचएल स्टूडियो सीखने के लिए एक बजट लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए प्लीज ये मैं हमेशा बता चुका हूँ बजट लैपटॉप जो एटलीस्ट आपको आई फाइव जो मैं भी यूज़ करूँ आई फाइव लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आई सेवन खरीद लूँ अभी उतना पैसा नहीं है मेरे पास एक नया लैपटॉप आई मीन मेरा पीसी लेने के लिए ये ऑलमोस्ट दस साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ ये थोड़ा अपग्रेड किया था जब पिछले साल मेरे को थोड़ा पैसा मिला था तो आई सेवन अगर पास अगर आपके पास बजट है तो आई सेवन ले सकते हो और एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम सिक्सटीन जी बी रैम रख लीजिए और एस एस डी चाहिए आपको एच डी नहीं हार्ड डिस्क मत लेना एस एस डी लेना और ये एस एस डी के साथ आप हार्ड डिस्क एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले लीजिए ताकि आप स्टोर कर पाए एक्स्ट्रा ठीक है और हा ग्राफिक कार्ड जो है एटलीस्ट दो मॉनिटर के लिए एटलीस्ट टू जी बी या फोर जीबी वाला ग्राफिक कार्ड भी ले लीजिएगा सर आपने एम्पल गिटार वाला प्रॉब्लम विथ रीपर चेक किया था यार रीपर मैंने एक्चुअली इंस्टॉल किया था एस प्रो लेकिन वो मेरे में क्रैश हो गया अभी पता नहीं क्यों कैश हुआ तो मैं थोड़ा चेक करूंगा उसको फिर वापस मैं इंस्टॉल करके मैं रीपर का भी एक्चुअली एक रिव्यू दूंगा तो उसके बाद मैं चेक करूंगा ठीक है मुझे थोड़ा टाइम देना शक्ति कुमार कैसे हो मैं ठीक हूँ शक्ति कैसे हो आप <coughs> लिरिक्स वोकल रिकॉर्डिंग के टाइम जो इफेक्ट्स है मैंने ऑलरेडी बता चुका है वोकल प्रोसेसिंग में आप लोग मेरे वीडियो में नहीं जाते हो सीधे इधर आके क्वेश्चन पूछते हो मेरा गला <laughs> फट जाते हैं बोल बोल के यार मेरे वीडियोस में जाओ चेक करो आपको मिलेगा ठीक है माया पर एक सर मेरा दिल ले लो प्लीज आई लव यू थैंक यू सो मच मयांक आपका दिल में एक प्लस साइन भी लेगा मतलब मुझे डॉक्टर के पास तो नहीं जाना लेकिन थैंक यू सो मच नीचे वाला दिल लूंगा आपने जो दो दिया वो प्लस साइन वाला नहीं लूंगा ठीक है <laughs> सर बॉलीवुड सॉन्ग का पियानो रोल करना कैसे होगा कुछ वीएसटी है क्या श्रीकांत जी कोई वी आपको हेल्प नहीं करेगा जब तक आप म्यूजिक का जो है बेसिक्स ना सीखे कोई भी वीएसटी आपको अच्छा म्यूजिशियन नहीं बनाएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग बेसिक थियोरी सीखे बेसिक थियरी सीख के जितना जितना आप एक्सपीरियंस लेते हो आप एक्सपीरियंस बनते हो म्यूजिक में ठीक है म्यूजिक के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ता है जब तक आपका रिश्ता नहीं बनेगा वो म्यूजिक के साथ आप कभी भी आप अच्छे म्यूजिशियन नहीं बन पाओ तो वीएसटी इसका छोड़ दीजिए आप अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हो पहले थियरी सीखे ठीक है uh, मुझे नोटिफिकेशन मिलता है यस बहुत लोग को मिल रहा है बहुत लोग को नहीं मिल रहा है मोहम्मद इमरान सर पूछ रहे हैं सर मैं एफ स्टूडियो पर सॉन्ग का म्यूज़िक बनाता हूँ सॉन्ग के साथ हेडफोन में बहुत अच्छा लगता है पर सर हेडफोन निकालता हूँ लैपटॉप से तो म्यूज़िक वो अलग सुनाई देता है क्यों वो इसलिए कि मिक्सिंग आप लोगों का सही नहीं होता तो बाद में अगर आपका लैपटॉप में मिक्सिंग सही नहीं हुआ तो आपको उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज करके आपको मिक्सिंग ठीक करना पड़ेगा तो इसलिए हम लोग बोलते हैं मिक्स रेफरेंस वन मिक्स रेफरेंस टू कभी कभी हम लोग मिक्स रेफरेंस हमारा दस दस मिक्सिंग रेफरेंस चलता है उसके बाद हम लोग मास्टरिंग करते हैं शक्ति कुमार माइक नहीं है अभी लॉकडाउन में रिकॉर्ड करने के लिए जो कोई जुगाड़ हो तो बताओ सर शक्ति जी मैं भी अभी इंतजार कर रहा हूँ एक साउंड कार्ड लेने के लिए मेरा भी साउंड कार्ड थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है <laughs> तो अभी क्या करें लॉकडाउन में तीन तक है आप लोग का तो वेट कर लीजिए थोड़ा हेलो सर नमस्ते कैसे हो म्यूज़िक मेकर्स सर प्लीज़ साउंड लेवलिंग पैनिंग के लिए वीडियो होगा साउंड लेवलिंग और पैनिंग के लिए ऑलरेडी मेरा आज मिक्सिंग और मास्टरिंग में है आप जाके मिक्सिंग और मास्टरिंग का ट्यूटोरियल देख लीजिए साइक्लोन गेमिंग कैसे हो इंडिया का लॉकडाउन कब खत्म होगा पीसी रिपेयर करवाना है तीन तारीख को तो बोला है मोदी साहब ने चेक करते हैं भाई सर ऐपल गिटार पे फिर से एक लेसन बनाइए प्लीज़ ठीक से समझ नहीं आया uh, ठीक है स्ट्रिंग्स मैं बनाऊंगा बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे को ये तो डेफिनेटली मैं एक और ट्यूटोरियल एम्पल गिटार पे बनाऊंगा कैलाशी बेस्ट रिकॉर्डर फॉर मोबाइल लेक्सिस ऑडियो एडिटर एंड फॉर लाइव स्ट्रीम किसी ने पूछा था मोबाइल पे रिकॉर्डर क्या है कैलाश जी ने आंसर दे दिया आप चेक कर लीजिए श्रीकांत कश्यप साहब पूछ रहे हैं कि मैंने किसी से भी सीखा नहीं और आपका वीडियोज़ देख मिक्सिंग सीखी है श्रीकांत जी थैंक यू सो मच आप जरा अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए आप जो मिक्सिंग कर रहे हो अभी आपको कैसा लग रहा है पहले से अच्छा है Uh, मैं ये नहीं बोलूँगा पहला मिक्सिंग हमेशा अच्छा होता है जैसे मैंने बताया जब हम लोग खाना बनाना सीखते हैं तो पहले डेफिनेटली खाना जल जाता है थोड़े देर के बाद फिर वो खाना बनाने में हम लोग एक एक्सपर्ट बनते हैं समझ गया आप तो मिक्सिंग का एक प्रोसेस भी ऐसा ही है तो जैसे जैसे हम लोग सीखते रहते हैं मिक्सिंग करते रहते हैं हमको एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है सर आपके वहाँ अभी तक टाइम कितना अभी टाइम कितना हो इधर अभी पौने ग्यारह हो चुका है एक कम हेलो सर मैं मेरे बनाए हुए ट्रैक्स प्रोफेशनल साउंड नहीं करते कुछ बताओ कि वो प्रोफेशनल साउंड करे कैसे करे मिक्सिंग एंड मास्टरिंग मिक्सिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टरिंग से भी सबसे पहला प्रोसेस जो है मिक्सिंग अगर आप मिक्सिंग नहीं देखा मेरे ट्यूटोरियल वो जाके देखिए आपका साउंड डेफिनेटली प्रोफेशनल करेगा uh, प्रवीण सही सर आपके वहाँ मैं बता दिया आपको सर इंस्टा में कमेंट दिया था नाइस सेटअप देखा था, था क्या मैंने इंस्टा पे देखा लेकिन मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा बड़ा यूज़र नहीं हूँ मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टा में लोगों के साथ कनेक्ट करूँ लेकिन क्या है? मुझे और भी काम रहता है तो अगर मैंने आप लोगों को रिप्लाई नहीं किया प्लीज़ मुझे बुरा मत मानना मेरा क्योंकि बहुत बिजी रहता हूँ तो माफ़ करना मेरे को दोस्तों जब भी टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ Uh, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को ऑनलाइन भी मैसेजेस करते हैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं जो करता हूँ यूट्यूब में जो कमेंट्स देखता हूँ सबका रिप्लाई करता हूँ मैं तो बुरा मत मानना मेरे दोस्तों अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो आपको मैं मैक्सिमम यूट्यूब में ज़्यादा एक्टिव हूँ गुड नाइट सर सुबह उठ के एफ स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहे हैं गुड नाइट आर सर प्लीज़ आंसर मी कॉरपोरेशन फैमिली कैसे फाइंड करें प्लीज़ सर टेल मी म्यूजिकल सौरव आपने वापस ने ही देखा मेरा कॉड्स एंड स्केल्स का टूटोरियल अगर आप मेरे सामने होते कसम से आपका कान पकड़ता मैं समझ गया आप अभी भी मेरा कॉड्स एंड स्केल्स का टूटोरियल नहीं देखा आप वापस आके इधर पूछ रहे हो जल्दीबाजी में काम नहीं होता जाके कॉड्स एंड स्केल्स का टूटोरियल देखिए बराबर आपको समझ में आ जाएगा फैमिली कैसे ढूंढेंगे हम लोग सर एम्पल गिटार कहाँ से डाउनलोड करें मैंने ऑलरेडी बता दिया मेरे टूटोरियल में उसमें है डिटेल्स कालाशी बेस्ट स्क्रीन कोडर बहुत मैसेजेस आ, आ रहा है मेरे को सबका पढ़ने को नहीं हो रहा है आ, अच्छा मैं एक्चुअली अब बताना चाहता हूँ अभी हमारे जो आ, आ, जो लोगों ने ज्वाइन किया है उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे मॉनिटर पे ये मैंने आज आ, हमारे जो ऑनलाइन पहला जो बैच जो शुरू हो रहा है उसका जो है ग्रुप ए जो है पहले कल शुरू होगा पाँच पी एम जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे विवीक भारत कुमार सोनी जितेंद्र वर्मा गुरमिंदर खतरा सारांश आनंद चंद्रशेखर आशीवाल ये लोग का पहला बैच रहेगा पाँच बजे आईएसटी पे तो कोशिश कीजिएगा पहला वो टाइम पे आने का और दूसरा जो ग्रुप है हमारा कृष्णकांत अविनाश राव जतेंद्र कुमार दास उरज सुनार सैमुल चिन्ना प्रशांत शर्मा योगेश मरकम ये लोग का होगा आठ बजे योगेश जी आ, सबसे बहुत पहले उन्होंने कोशिश किया था लेकिन उनका पेमेंट नहीं हो रहा था तो उसके कारण मेरे को एक एक्स्ट्रा बंदा इधर डालना पड़ा दोस्त लोग बुरा मत मानना क्योंकि वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था तो अभी वो कोशिश कर रहा है मेरे जो ब्रदर इन लो है उनके अकाउंट में भेज दे बिकॉज रुपए कार्ड से इंडिया में इंटरनेशनल ट्रांसफ़र नहीं होता तो इनका एक बार हो गया तो ये कन्फर्म हो जाएगा ठीक है तो मैं आपको दिखाना चाहता था ये है हमारे जो ग्यारह स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद दो स्टूडेंट्स और भी हैं जो प्राइवेट कर रहे हैं हमसे वो लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है वो वन ऑन वन मेरे साथ प्राइवेट कर रहे हैं प्राइवेट का ट्यूटोरियल का अलग होता है तो उनका मैंने इसमें डाला नहीं है ठीक है और आ, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम साउंड डिज़ाइन और अरेंजमेंट में आता है प्लीज़ एक्सप्लेन अपना मोहल्ला डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है साउंड डिज़ाइन में हमेशा होता है कि हम लोग हमारा जो साउंड है एक बार हमको मिल गया तो फिर हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा सैम्पल्स डाउनलोड करता है मेरे एक स्टूडेंट है अभी एक्चुअली वो भी परेशान हो गया उसके पास इतना सारा इंस्ट्रूमेंट्स है इतना सारा सैम्पल्स हैं मोहिन बोल के हैं और वो खुद परेशान होगी पिछले तीन दिन से वो लगा हुआ है साउंड डिजाइनिंग में और मेरे को मैसेज करता है सर मेरा दिमाग फट रहा है मैंने बोला यही होता है जब आपके पास हज़ार चीज़ होता है तो उसमें से सेलेक्ट करना बहुत हाँ टफ हो जाता है तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम रख लीजिए देखिए जो भी बैंड मेंबर्स जो लाइव खेलता है तो लाइव खेलता है तो देख लीजिए उस उनके पास पांच छह इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं लेकिन उससे भी म्यूज़िक बहुत अच्छा बनता है ये नहीं कि दस हज़ार वी लेके आप लोग म्यूज़िक बनाओ नहीं आपको सिर्फ दस या पाँच वी एस मैक्सिमम चाहिए एक अच्छा म्यूज़िक बनाने के लिए ठीक है वर्षा म्यूजिक सर हमारे पास साउंड कार्ड नहीं है रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट से होता है वर्षा जी मैं समझ सकता तो हूँ आपका मुश्किल साउंड कार्ड अभी नहीं है तो मुश्किल नहीं है आपका लैपटॉप में पी में भी साउंड कार्ड है उसका आप यूज़ कर सकते हो जितना आप यूज़ कर सकते हो जब आपके पास पैसा होगा बचाइए पैसा और आगे बढ़िए ठीक है सर लगता है मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है आ, सतीश एक्चुअली मेरा जो आप देख सकते हो तो बहुत जल्दी जल्दी, जल्दी जा रहा है ऊपर और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ जो निकल जाता मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर मुझे उस कमेंट में लाइक दिया था Uh, कौन सा काउंट में लाइक दिया था सतीश जरा बता दीजिए एक और बार क्वेश्चन तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा सर सॉरी मैं देखा था आपका कॉल प्रोग्रेशन वीडियो बट पता नहीं चला मैं फिर से देखूंगा ओके okay, सौरभ फिर से देखना ज़रूर चिल्ली बॉय कैसा नाम है <laughs> अब क्या बोलूँ बहुत ही तीखा है चिल्ली बॉय सर बिना साउंड कार्ड का रिकॉर्डिंग कैसे क्लीन कर सकते हैं uh, वॉलकानो ऐसे अगर पूछेगा तो मैं क्या बताऊँ आप लोग कोशिश कर सकते हो ऐसे कुछ नहीं है बाद में क्लीनिंग का जो है मैंने ऑलरेडी एक बताया था एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है आप लोग वो भी देख सकते हो आप जूम लिंक विथ मीटिंग आईडी बाद में भेजेंगे यस yes, प्रशांत मैं एक्चुअली ये जो आ, हमारा जो लाइव चल रहा है इसके बाद मैं बैठ रहा हूँ तो मीटिंग का जो है टाइमिंग uh, लिंक मैं आप लोग को बाद में ईमेल करूंगा तो आज जो आप लोग को जो ईमेल मिला है प्रशांत वो बेसिकली जो हमारा टाइमिंग है और जो डिटेल्स है आपके क्लास में कौन कौन से लोग होंगे कैसा ग्रुप होगा हमारा सब के बारे में डिटेल्स था जूम का जो लिंक है मैं आपको पर्सनली ई में भेजूंगा सब लोगों को एक साथ ठीक है सर uh, कोर्स का फीस uh, सूरज यादव कोर्स का अलग अलग फीस है हंड्रेड डॉलर है टू हंड्रेड डॉलर और पाँच सौ डॉलर भी है वो आपके ऊपर है अगर आपको डिटेल में चाहिए आप मुझे डी जे कॉम में भेज दीजिए और मैं आपको भेज सकता हूँ ठीक है ग्रुप का क्लासेस का अलग चार्जेस है प्राइवेट क्लासेस का अलग चार्जेस है फुल कोर्स का अलग चार्जेस है समझ गए आप तो वो सब डिटेल्स हैं निशांत किरण ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक पे वीडियो बना रहा शिवम जी आ, मैं बनाऊंगा ऑर्केस्ट्रल के लिए सॉरी निशान जी सर केक वॉक की अगली वीडियो कब आ रही है शिवा मैं बनाऊंगा एक दो दिन में बनाऊंगा केक वॉक का ऑलरेडी चल रहा है मेरा उसका आइडियाज एन अदर क्वेश्चन आर सम पीपल थिंक दैट मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इज अ यूजुअल पार्ट एंड दैट आई हैव सीन मेनी वीडियोस दे आर सेइंग टू यूज प्रीसेट ऑफ फैफ़ फिल्टर ऑफ आईजोटॉप प्लीज एक्सप्लेन अपना मोहल्ला प्री आपको कैसे मालूम उन्होंने किस सॉन्ग पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे उन्होंने वो प्री यूज़ किया दिस इज अटल स्टुपरिटी ट्रस्ट मी I really don't believe in these presets because Unlock the presets they have different different instruments. So use your common sense. They are just trying to sell their product. Please don't believe this stupidity. I have I don't even have isotope. I don't even buy isotope ozone. If you know how to use it, then it's okay. In isotope ozone, also you have the same thing. You have the EQs, you have the compressors, you have the multiband compressors. Each and everything is same thing what we do as a process. Nothing Else. So please, I really don't believe in this utter stupidity, what people are saying. I believe in my professionalism where I have learned from my masters and where I have actually applied this uh, with a lot of experience in my music, not only my music, in professional level also. So I think uh, there are people who are using Fab filters. Where was Fab Fab filter 10 years ago? Where was Fab filter and was on six years ago? You get me what I'm saying? even now music is not there are a lot of producers who are mixing and mastering engineers who are actually not using isotope also they are, they are still mixing and mastering you get me so this is just a norm to fool people uh, on mixing and mastering by isotope your mixing will be good no man it, it doesn't it doesn't it doesn't make any difference unless you don't know the procedure how to treat your mix like how does a doctor treat a patient same like that a mix is treated with your expertise You get me? That's how it's done. So don't mind me saying that. सो uh, डोंट माइंड मी से इंस्ट्रूमेंट बनाए सुकांता जी sad song के लिए मैं already एक बना चुका हूँ। हम check कर सकते हैं uh, मैंने जो एक खुदा बनाया वो भी थोड़ा sad ही है आप सुन सकते हो अभी अगर मैं ये sad song बनाऊँगा, तो आप बोलेंगे कि uh, सर दूसरा sad song बनाओ तो mood sad भी होने का mood अलग होता है नवीन कुमार just subscribe Thank you so much, नवीन for subscription. तािर बस्तावाला हैज़ बिकम अ सिल्वर मेंबर थैंक यू सो मच ताहिर फॉर बिकमिंग अ मेंबर आई रिली अप्रिशिएट दैट यू आर वन ऑफ द टीम मेम्बर्स राइट नाउ ऑफ डी जे नफिशियल चैनल थैंक यू सो मच हेल्प बाय सर ऑडो ट्यूनर पर एक वीडियो बनाओ सर प्लीज़ मुझे ऑडोट्यूनर वीडियो मेरे पास ऑडियो ट्यून नहीं है भाई मैं बता दिया हाँ मैंने खरीदा नहीं, नहीं है अभी तक ऑडियो ट्यून मैंने खरीदा नहीं है मेरे पास एफ एल स्टूडियो में जो पिक्चर है वो है वो मैं दिखा सकता हूँ आप लोग को एक वीडियो बना के लेकिन अभी नहीं थोड़ी देर के बाद वॉट अबाउट हाउस म्यूजिक टूटोरियल सर ताहिर बस्तावाला ये आई हैव डन ऑलरेडी टू वीडियो ऑन हाउस म्यूजिक सो इट इज गोइंग स्टेप बाय स्टेप सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग ऑन हाउ टू क्रिएट द कॉर्ड्स ऑन हाउ टू सेलेक्ट द साउंड डिजाइनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर दट ऑरल्स मे बी आई एल डू द वीडियो फॉर मेलेडी नेक्स्ट टाइम हाउ टू क्रिएट हाउस मेलेडीज so wait for it hopefully tomorrow because i have created something today so tomorrow uh, i will put that video okay the part 3 video will come tomorrow mayank parik uh, sir futility meter or compressor mein kya difference hai dono ka kaam to ek hi frequency ko compress karna hai dekho compressor में और limiter में बहुत फ़र्क होता है ज़्यादा फर्क नहीं आपने जो बोला वो सही है लेकिन limiter में हम लोग decibels जो level है वो limit कर सकते हैं हम लोग लेकिन उधर कंप्रेस नहीं हो रहा है कंप्रेशन तब होता है जहां पे हम लोग रेशियो थ्रेश होल्ड नीज ये सब यूज करके हम लोग होते हैं जो लिमिटर में नहीं होता है समझ गए आप तो कंप्रेसर में जो है हम लोग एक्सपैंड करके हम लोग वाइल्ड रिकॉर्डिंग ऑल्सो वी कैन यूज इट लेकिन लिमिटर में डिस्टॉर्शन होने का चांसेस है कंप्रेसर में वी कैन रेड्यूज द डिस्टॉर्शन यू गेट मी आई एम कैट बी लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट वी कैन कंट्रोल वी हैव मोर एडवांस कंट्रोल इन कंप्रेसर दैन द लिमिटर रकीब खान कैसे हो आप माई नेम इज जरार गीत एम पी थ्री थैंक यू सो मच जरार नाइस मीटिंग यू डेफिनेटली हेल्प बाय मैं पिक्चर पे वीडियो बनाऊंगा अपना मोहल्ला थैंक यू सर आई डेफिनेटली सीट जॉइन हाउ कैन वी जॉइन अपना मोहल्ला इफ यू वांट टू जॉइन मेंबरशिप आई डोंट नो व्हाट यू आस्किंग यू वांट टू जॉइन द मेंबरशिप और डू यू वांट टू जॉइन दी ऑनलाइन कोर्स जस्ट लेट मी नो दैट दुबई एक्सप्रेस हलो मास्टर वेरी वेल एक्सप्लेन टूटोरियल्स फॉन्ड इन योर चैनल थैंक यू सो मच दुबई एक्सप्रेस आप दुबई से हो क्या हम भी दुबई से ही है आई एम रैपर प्लीज सजेस्ट मी अबाउट रैप एज माई नेम इज़ चिली बॉय फॉर बेस्ट व्यूज़ जी सिक्स वर्क हार्ड बी कंसिस्टेंट यू विल गेट बेस्ट व्यूज यू हैव टू वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट ऑडियो इंटरफेस मिक्सर कौन सा बेटर होगा नहीं हो सर uh, सौरव ऑडियो इंटरफेस आपका बजट क्या है बजट के हिसाब से है तो ऑडियो इंटरफेस काफ़ी है मिक्सर लेने का ज्यादा जरूरत नहीं है मिक्सर वो लोग लेते हैं जो लाइव रिकॉर्डिंग करके यूज़ करना चाहते हो मिक्सर आपको हेल्प होगा लेकिन ऑडियो इंटरफेस बहुत काफ़ी होता है ठीक है उसका मैंने डिफरेंस मैं बताऊंगा आप लोगों को एक दिन मेरा मन सर प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन क्या ट्रायल एफएल में म्यूज़िक बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने पर स्ट्राइक आएगा मेरे मन भाई ट्रायल एफएल स्टूडियो में आप यूट्यूब पर अपलोड ही नहीं कर सकते क्योंकि आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप अपलोड कैसे करेंगे आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया <laughs> YouTube पे यूट्यूब्राइप का तो भूल ही जाइए आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते सर फिर कंप्रेसर बेस्ट है या लिमिटर देखो लिमिटर हम लोग ज्यादातर हमेशा लास्ट में यूज करते हैं वो है हम लोग मास्टरिंग के टाइम पे हम लोग ज्यादा यूज करते हैं मैं लिमिटर मेरे को नहीं चाहिए मैं लिमिटर नहीं यूज करता जैसे रॉक म्यूजिक हो गया हेवी मेटल म्यूजिक हो गया उसके लिए हम लोग लिमिटर यूज़ करते हैं अगर बिकॉज रॉक और हेवी मेटल म्यूजिक में डिस्टॉर्शन होता है इलेक्ट्रो हाउस म्यूजिक हो गया इलेक्ट्रो हाउस म्यूजिक में भी डिस्टॉर्शन होता है तो अगर आपको डिस्टॉर्शन पसंद है आपका म्यूजिक में डिस्टॉर्शन है तो आप लिमिटर यूज़ कर सकते हो मैं पाकिस्तान से हूँ मुझे एक अच्छा माइक बताएं गीत अम्पित्री जी आपका बजट क्या है? बता दीजिए तो मैं आपको बता सकता हूँ आजकल ऑडियो टेक्निका का भी अच्छा माइक है रोड का भी अच्छा माइक है तो आप कुछ भी ले सकते हो आजकल बहुत सारे माइक आ रहे हैं सर आप नेक्स्ट सॉन्ग केक वॉक पर होगा ऋषभ मैं कोशिश कर रहा हूँ केक वॉक पर बनाने के लिए तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे सर आई ऑलवेज पुट माई बेस्ट कंटेंट देन ऑल्सो नॉट गेटिंग व्यूज कैन यू टेल मी लोग्रिथम GJ6, the logarithm is consistency. YouTube looks on consistency. I'll tell you something about my YouTube channel. When I started, um, I started my channel in 2007 actually. And after that, I became active actually just one year ago. You know, uh, before that, I was not active. So from 2007 till last year, I had only 3000 subscribers. And now, today, I have, I'm reaching 10,000 subscribers. So from past uh, one month, I have been so active on YouTube. I think it's because of the lockdown. I've been so active on YouTube, and before that, I was posting every week two or three videos. Now I'm so active on YouTube. I'm coming every day, and I can see I've reached just like that. My subscriber count has gone up. So YouTube pushes you if your content is good. Plus, if you're working hard, YouTube is not just a part-time job you have to put in your time and efforts you have to be committed to your uh, uh, you know subscribers you have to give that proof to your subscribers that they can trust you that is one main thing what youtube is looking for so yes do your commitment to your subscribers and deliver it what they need you know then you will see the difference okay आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स मेरा आस्क यू डायरेक्टली एनीथिंग क्योंकि सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास आप परेशान हो जाऊँगा अपना मोहल्ला आप कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो डी जे नी और डी एक्सपी एट जी मेल डॉट कॉम पे मेल कर दीजिए मैं आपको लिख देता हूँ और मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा कोर्स का ठीक है मोनू तलवारा एफ एल स्टूडियो प्रोड्यूसर एडिशन ठीक है सर रिकॉर्डिंग के लिए मैं खुद प्रोड्यूसर एडिशन यूज़ कर रहा हूँ तलवारा तो यस डेफिनेटली इट्स वेरी गुड मैं सिग्नेचर या दूसरे एडिशन इसलिए नहीं लिया बिकॉज मुझे इतना सारा प्लग इन्स एफ स्टूडियो का चाहिए नहीं तो मैं खुद फ्री प्लग इन्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने प्रोड्यूसर एडिशन लिया राजू आहिर नमस्ते कैसे हो राजू जी आ, सर एक अलग से लेक्चर बनाओ फ्रूडी कंप्रेसर और लिमिटर पे शॉर्ट में मायंग डेफिनेटली मैं बनाऊंगा ठीक है अनप्लग आर्यन सर थैंक यू लव यू सर थैंक यू, यू, यू सो मच अनप्लग Uh, क्या आप मुझे मिक्सिंग के कोर्स करवा सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान देखिए जी मिक्सिंग का मेरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी है उसका अलग से अगर आपको प्राइवेटली चाहिए तो डेफिनेटली उसका चार्जेस लगेगा अगर मैं प्राइवेटली आपको करूँगा तो उसमें तीन गाने आपका मैं मिक्सिंग करवा के आपको सिखाऊँगा तो आप सीखना चाहते हो तो मुझे मेल कर दीजिए और उसके बाद आप प्राइवेट कोर्स ले सकते हैं मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए मेरा दो तीन स्टूडेंट्स ऑलरेडी है फ्रॉम दी अराउंड वर्ल्ड दे आर लर्निंग मिक्सिंग एंड मास्टरिंग सर फ्लैंजर यूज़ होता है और इसमें हमें कहाँ यूज़ करना है साइक्लॉजी फ्लैंजर जो एक इफेक्ट है वो डेफिनेटली हाउस म्यूज़िक लिये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग उससे ज़्यादा मेरे को मालूम नहीं है मैंने हाउस म्यूजिक में सुना है सर आपको गले से लगाने का मन कर रहा है क्यों <laughs> क्या करूँ गले से लग जा मेरे भाई मैं इधर ही हूँ ठीक है हेलो सर हाउ आई डूंग गुड प्रमोद कुमार सर हाउ टू डाउनलोड क्रैक वर्जन फॉर एफल स्टूडियो क्रैक वर्जन मतलब चोरी का होता है मैं चोर नहीं हूँ ना मैं चोर बनना चाहता हूँ और ना ही मैं अपने स्टूडेंट्स को चोरी करने दूंगा तो मैं इतना ही बोलूँगा डेमो वर्जन पे आप कर लीजिए और दूसरा एक चीज़ है कि आप अगर आपको डेमो वर्जन करना एफ एल स्टूडियो खरीदने का पैसा नहीं है तो आप केक वॉक इंस्टॉल कर सकते हो केक वॉक में भी आप प्रैक्टिस uh, कर सकते हो म्यूज़िक सीखना है लेकिन चोरी मत कीजिए सपोर्ट कीजिए जो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो लोग भी बहुत मेहनत करके वो लोग बनाते हैं तो उनको भी सपोर्ट कीजिए अगर आपने कुछ बनाया और आपसे कोई चोरी करके इस्तेमाल करेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा सेम चीज़ है ठीक है सर इफ आई डोंट हैव स्टूडियो हाउ कैन आई रिकॉर्ड इन माई फोन नाइसली प्लीज टेल मी एप्लीकेशन सर जी जे सिक्स ऑलरेडी बहुत लोगों ने एप्लीकेशन बता दिया है उसमें अभी फ़ोन से रिकॉर्डिंग करने का एक वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा मैं कोशिश करता हूँ बना के मैं डालने का कोशिश करता हूँ ठीक है शानी तंबे हेलो हाउ आर यू ओम जी कैसे हो सर आपको मेल किया है चेक करो ज़रूर चेक करोगा टाइम मिलते ओम जी यश वर्मा स्कारलेट का साउंड कार्ड और माइक कैसा है बहुत ही अच्छा स्कारलेट का ले लीजिए आंख बंद करके ले लीजिए दीपक शिवरामनी सर इन एफ स्टूडियो मेरे वोकल्स पे एफेक्ट्स एंड फिल्टर्स प्रॉपर अप्लाइड है अच्छे से बट जब मैं प्ले करता हूँ तब ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक एंड वोकल्स दो अलग अलग ट्रैक्स चल रहे हैं साउंड्स रियली ऑड आप मुझे आपका जो भी आपने आउटपुट किया मुझे भेज दीजिए डी जे नोट एक्स बी पर मैं सुनता हूँ मुझे समझ में आपका क्वेश्चन तो मैं सुन के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अली हुसैन साहब सर आप इंडिया कब आएंगे अली जी मैं एक्चुअली आने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड नाइन्टीन के कारण हम लोग अटक गए मेरा फैमिली है सब लोग अटक गए तो एक महीना वैकेशन के लिए आने वाला था लेकिन क्या करें यार अभी ये जो वायरस का सिचुएशन ख़त्म हो जाए ज़रूर आऊँगा मैं और मैं बताऊँगा आप लोग को जब आऊँगा मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ सर uh, मेरा कमेंट डिस्प्ले पे दिखा नहीं रहा है मेरे जरूर दिखा रहा है मुझे पढ़ने को हो रहा है हे स्मिथ हेलो सर कैसे हो गीत एम पे थ्री एम ए बिग फैन ऑफ यू आई एम ऑल्सो ए फैन ऑफ यू गीत जी सर बेसलाइन की साउंड कम है जब बाकी ट्रैक्स प्ले करता हूँ प्लीज़ हेल्प मी सर

ओनली द ओजोन वेबसाइट इज शोइंग दैट दिस दिस पीपल आर यूजिंग इट मैं ओजोन यूज कर चुका हूं आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दैट आई स्टिल लव द मैनुअल वे ऑफ डूइंग मिक्सिंग एंड मास्टरिंग ओजॉन अच्छा है अपने तरफ से बट आई डोंट हैव द मनी टू परचेज ओजॉन नीदर आई यूज अ क्रैक सो अगर मेरे को फ्री में मिलेगा या डेमो वर्जन मिलेगा मैं करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ ठीक है तो तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा या आप मुझे खरीद के दे दीजिए मैं, मैं आपको दिखा दूंगा सर रैप सॉन्ग कब आएगा ट्यूटोरियल के लिए अली हुसैन जल्दी आएगा टेंशन मत लो सर मुझे आवाज़ में दम लाने के लिए कौन सा इफ़ेक्ट यूज़ करने हैं मुझे बताओ प्लीज़ सर हेल्प भाई अगर आवाज़ में दम चाहिए दो रोटी के बजाय चार रोटी खाओ ठीक है दबा के खाओ खाना आपको उम्र क्या है मुझे पहले ये बताइए आपको उम्र क्या है मैं जानना चाहता हूं फिर मैं बता सकता हूं आपकी आवाज़ में कितना दम है केक वॉक मिलेगा नेट में सचिन यादव जी ऑलरेडी केक वॉक का मेरा ट्यूटोरियल है उसमें जाइए उसका कमेंट बॉक्स में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक डाला हुआ है डाउनलोड का लिंक आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो शिवम मौर्य सर टेप इम्यटर वी क्या यूज है टेप इमुलेटर मतलब है जो पुराने ज़माने में जो टेप का इफेक्ट होता था वो इफेक्ट लेके आने के लिए हम लोग टेप इलम्यूलेटर बोलते हैं आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया तो वो डिजिटल का इफेक्ट को निकाल के एक थोड़ा वार्म हमारे जो मिक्सिंग में वार्म इफेक्ट लेके आने के लिए हम लोग टेप इल्यूमुलेटर यूज़ करते हैं प्रिफर अ बेटर माइक सर हे स्मिथ यू मीन माई माइक और वाट आर यू टॉकिंग अबाउट आई डिंग गेट यू वाट यू स्पीकिंग इज इट अ प्रॉब्लम विथ माई माइक और वट आई एम टॉकिंग इज इट डिस्टॉकिंग सो इफ यू कैन एक्सप्लेन मी basically where are you from your native place i am basically from delhi uh, my native place is from kerala in india uh, god zone country that's what they say so but i am born and brought up in delhi so i consider myself as a delhiite <laughs> you know sir record forge two application best है mobile में recording करने के लिए देखिए जो भी mobile में recording करने के लिए पूछ रहा था हमारे mayank parik साब ने भी दे दिया इधर तो आप लोग देख सकते हो तो मैं भी जरा उसको डाउनलोड कर लूंगा थैंक यू सो मच मायांक आर्यन पूछ रहे रहा है, सर लॉकडाउन में कैसा लग रहा है यार मैं थक गया लॉकडाउन में अंदर बैठ बैठ के मैं स्टूडियो मिस कर रहा हूँ मेरा हमारा काम शुरू करना है स्टूडियो के लिए अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि हमने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का जगह तो ले लिया ऑफिस लेकिन हम लोग के पास आ, इन्वेस्टर नहीं है फाइनेंशर नहीं है जो हम लोग के लिए इन्वेस्ट करे और आ, हम लोग उसका जो है साउंड प्रूफिंग करें तो उसमें खर्चा लगता है तो एक इन्वेस्टर था लेकिन डेफिनेटली कोविड नाइन्टीन के कारण वो आ नहीं पाए तो हम लोग अभी अटक गए अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ऑफिस है लेकिन काम करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग वो देख रहे हैं अभी कैसे क्राउड फंडिंग करें या कहीं से भी कोई इन्वेस्टर मिल जाए देखते हैं क्या चलता है आगे ऊपर वाला मेहरबान होगा तो सब सही हो जाएगा सर आवाज़ में दम लाने के लिए कौन सा इफेक्ट लगा हेल्प भाई तुम छोड़ेगा नहीं यार अकेपल्ला में Tahir, sir, make one video on listening to the subscribers' music. I was doing it actually, Tahir. Uh, definitely, I'll do it again. But because the problem is the subscribers' music, there are some of the music where I'm getting a lot of copyright. And I got a warning from YouTube, so I stopped it for some time. So I don't know which subscriber is using uh, loops from, you know, copyrighted thing. And some people are using remixes, they're taking already digitally downloaded you know music so because of that i am getting the copyright because i am playing it on my channel and i got already a copyright strike from youtube uh, not once three times so it's it's really uh, hard for me they warned me youtube that's the reason i'm not doing it but let me see if i can do it next time so if i got a copyright i have to delete that video you know sir uh, sachin other demo version me mixing ho jata hai yes ho jata hai. सर ऑटोगन यूज़ करते हैं आप एफ एल स्टूडियो का उसमें बिलियन ऑफ़ प्रीसेट्स है यू कैन गूगल इट थैंक यू सो मच रिशभ यस आई यूज़ ऑटोगन कभी कभी ज़्यादा नहीं यूज़ करता बट यस थैंक यू सो मच आई विल आई विल डू अ टूटोरल ऑन डिफरेंट वी एस टी ऑल्सो वन डे सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आप मिलेंगे हेल्प भाई मुझे आपने नहीं बताया पहले आपका क्वेश्चन तो मैं बहुत जवाब दे दिया आप मुझे बताइए आपको उम्र क्या है पहले अभी आप मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप मुझे बताइए आपको उम्र क्या है मिलने का तो बात रहेंगे मैं तो दुबई में हूँ आप दुबई में रहते हो तो ठीक है ज़रूर आइए मिले हमसे हम मिलने के लिए तैयार हैं सर क्या आप पाकिस्तान आए आए के ज़रूर डेफिनेटली आपका नाम मैं भूल गया गीत एम्पित्री जी हम ज़रूर आएंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान का जो माहौल है थोड़ा सही हो जाए इन अगर इंडिया और पाकिस्तान का माहौल सही होगा तो कौन नहीं चाहता कि हम हमारे भाई लोगों से मिले और कौन नहीं चाहता हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं अभी भी जो पाकिस्तान में है इंडिया से आधे लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान से आधे लोग इंडिया में है अभी भी रिश्ता जारी है लेकिन ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के कारण बहुत इश्यूज़ है तो मैं वो सब नहीं देखता मैं देखता हूँ कि हमेशा इंसान इंसान होता है और डेफिनेटली अगर इंडिया और पाकिस्तान का माहौल सही हो गया तो डेफ़िनेटली आप लोगों से आके मिलूंगा मैं पाकिस्तान में पटेल रिकॉर्ड्स अकेपेला का म्यूज़िक कैसे बनाए नहीं बनता नहीं बनेगा वो अकैपेला बनाना बहुत मुश्किल है बिकॉज अकेपला बनाने के लिए आपको ओरिजिनल उसका इंस्ट्रोमेंटेशन uh, चाहिए नहीं तो नहीं बनेगा बहुत सारा उसमें आफ्टर मैथ जो प्रॉब्लम्स होता है आपको मालूम नहीं है वो बहुत लोग दिखाते हैं यूट्यूब में लेकिन वो लोग असली में नहीं करते वो शक्ति कुमार सर आपके अपार्टमेंट का रेंट कितना है <laughs> शक्ति कुमार जी इधर बहुत महंगा है दुबई में हम लोग इधर अभी ये अपार्टमेंट के लिए देते हैं फिफ्टी सिक्स थाउजेंड साल का तो लगा लीजिए आप फिफ्टी सिक्स थाउजेंड कितना होंगे साल का अभी रेंट देना बाकी है मेरे भाई अभी तक कुछ कमाया नहीं एक महीने में हम लोग अटके हुए अभी रेंट देना बाकी है याद <laughs> मत दिलाओ यार Uh, यश वर्मा एफ स्टूडियो भी परचेज़ किया है और अमेजन से किया है स्कारलेट का माइक और साउंड कोविड नाइन्टीन के वजह से रुका है और सर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग की क्लास के लिए क्या करूं आपसे सीखने के लिए यश वर्मा जी अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो मुझे मेल कर लीजिए डी जे न्यू डी एक्सपी एट जी मेल डॉट कॉम पर फिर हम लोग बात कर सकते हैं कोर्स के बारे में 21 साल का उम्र हो हेल्प हेल्पाई आप यार क्या बात है यार 21 साल की उम्र आपका तो हाँ आप कहाँ से हो आप दिल्ली से कहाँ से हो आप सो योर ट्यूटोरियल्स थैंक यू सर मैनिस्टो डीजे थैंक यू सो मच मैनिएस्टो अनंत कुमार हेलो कैसे हो सर बहुत मानता हूँ आपको मैं भी मानता हूँ हेल्प भाई बुरा मत माना मेरे बात को मेरे भाई मैं पूछ रहा था आपसे बिकॉज आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं भी सोचा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ नमस्कार सपोर्ट टू इंडिया हाँ सर अकपला में रिवर्स पोलारिटी यूज़ करते हैं exactly. एक्जैक्टली लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है रिवर्स पोलारिटी भी यूज़ करने के लिए आपको ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंटल चाहिए समझ गया आप नहीं तो नहीं मिलेगा आपको ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंटल नहीं मिलेगा तो और वो भी स्टीरियो फेज में बहुत मुश्किल होता है मोनो फेज में बहुत ईजी है स्टीरियो फेज में बहुत मुश्किल होता है यश वर्मा थैंक यू थैंक यू, यू सो मच यस सर आपने मेरे कोरोना वायरस वाला रैप सॉन्ग सुना क्या अंडरग्राउंड रैपर्स चैनल पे कैसा लगा प्लीज़ बताओ मैयांक uh, परिक uh, आप मुझे लिंक डाल दीजिए ये कमेंट पे ये वीडियो के बाद मैं ज़रूर जाके देखूँगा ठीक है सर मैं डीज करना चाहता हूँ विथ माई हाउस एंड ट्रैप म्यूजिक ज़रूर कीजिए कोशिश कीजिए कीप ट्राइंग यू कैन डू इट सर आप दुबई में कौन से लैंग्वेज में बात करते हो uh, वहाँ के लोगों से साइकिल जी दुबई में सबसे ज़्यादा तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं इंग्लिश में बात करते हैं इधर डिफरेंट नेशनैलिटी है लेकिन सबसे ज़्यादा जो नेशनैलिटी इधर इंडियंस है पाकिस्तानीज़ है फिलिपिनोज़ है बांग्लादेश से है नेपाल से है यू नो बहुत बहुत हमारे सब भाई लोग हम लोग को ऐसे लगता है कि हमारे घर है यार इधर तो आप कहीं पे भी जाओ हम लोग पाकिस्तानी खाना भी खाते हैं हम लोग बांग्लादेशी खाना भी खाते हैं हम लोग नेपाली खाना भी खाते हैं तो इधर बहुत मज़ा आता है कसम से बता तो ऐसे जो इंडिया पाकिस्तान का या नेपाल बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं हमको फ़ील होता कसम से हमको ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता दुबई में बहुत ही प्यार से रहते सब लोग तो अच्छा लगता है यही सेम चीज़ दूसरे देशों में भी है यूएस में भी ऐसा होता होगा और यूके में भी ऐसे ही होता होगा तो हाँ यही है दुबई का सीन ऐसे ही है सर आपने सुना था याद करो कमेंट भी मेरे को याद नहीं आ रहा मयंक बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मेरे को जो है ये भेजा हुआ है तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा गाना मयंक मुझे माफ़ करना दोस्त मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन में करियर बनाना है तो मैं क्या करूं संकल्प ये क्वेश्चन आपका नाम पे ही शायद संकल्प <laughs> <laughs> संकल्प संकल्प करो आप <laughs> यार क्या करो क्या ये क्वेश्चन नहीं है हिम्मत रखो और आगे बढ़ो देखो एम करो आपको अगर म्यूजिक प्रोड्यूशन में प्रोड्यूसर बनना है तो आगे एम करो एक एम रखो लाइफ में तो आप डेफिनेटली बन सकते हो ठीक है सर एक बार आप अपने छोटे लड़के को एक बार अपने साथ लेना वो आया था अभी थोड़ी देर पहले वो अभी बुलाता हूँ थोड़ी देर में इसको याविन कमियर सर एलन वाकर भी एफ एल स्टूडियो यूज करता है सिर्फ एलन वाकर नहीं इवन मार्टिन गारिक्स भी एफ एल स्टूडियो यूज़ कर रहा है बहुत सारे लोग हैं जो एफ एल स्टूडियो यूज करता है थोड़ा नोटी है मेरा लड़का कार्टून देख रहा अभी स्कूल बंद है उसका सर आपका बॉलीवुड एम है या नहीं सर ये मुझे जानना है बॉलीवुड में ऑलरेडी मेरा कनेक्शन है थोड़ा बहुत लेकिन मैं बताना नहीं चाहता ये सब अंडरग्राउंड स्टोरी है मैं लेकिन फेम पे नहीं काम कर रहा तो आई जस्ट वांट टू बी वेर आई एम पैसा मिले काम करे चुपचाप बेटर हो आई डोंट लाइक फेम एट ऑल तो ऐसे ही काफ़ी है सर इंडिया में म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स कैसे करें वो मेरे से मत पूछो यार मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ मैं दुबई में हूँ आप बहुत लोगों से पूछ सकते हो उधर जो इंडिया से है आई एम फ्रॉम यूपी बरेली तो आप हमारे पड़ोसी हो बरेली से हेल भाई हम दिल्ली से तो आप हमारे पड़ोसी हो वेरी गुड सर योर बॉयज क्यूट लाइक माई नेफ्यू या या थैंक यू सो मच बहुत नोटी भी है वो क्यूट सिर्फ नहीं है सर बट वी ऑल वॉन्ट कि आप हमारी म्यूजिक पे रिएक्ट करें उसे हमें और म्यूजिक बनाने का मोटिवेशन मिलेगा ताहिर डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ यू कैन सी दैट आई हैव अ लॉड ऑफ सब्सक्राइबर्स तो सबके लिए मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ आप मेरा जो एक वीडियो लीजिए और उसमें कमेंट में आप जाएंगे और उसमें देखिए मैं सबका मैं अप और हार्ट का जो है दबाता हूँ और रिप्लाई भी करने का कोशिश करता हूँ आप चेक कीजिए इमेजिन रिप्लाइंग टू ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड कमेंट्स एवरी डे मॉर्निंग इमेजिन दैट और ये बढ़ रहा है ये कम नहीं हो रहा है यू you नो know? <laughs> तो इट्स बिकमिंग वेरी हार्ड फॉर मी सो so, जो इसलिए मैंने मेंबरशिप बनाया था तो जो मेंबर्स बनेंगे इफ दे कैन सपोर्ट मी बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू स्पेंड माई टाइम एंड हैव टू अर्न समथिंग ऑल्सो अगर मैं सिर्फ यूट्यूब में बैठा रहूँगा यूट्यूब से ज्यादा पैसा नहीं मिलता ताहिर तो अगर जो मेंबर्स मुझे सपोर्ट करेंगे इफ आई गेट अ रेगुलर इनकम फ्रॉम यूट्यूब सो आई डोंट माइंड आई डोंट माइंड सपोर्टिंग माई मेंबर्स यू नो दैट द रीजन वाई यूट्यूब हेज स्टार्टेड मेंबरशिप मैं दिल्ली में सफदरजंग से हूँ सुकांता सरदार क्या पूछा था आपने आपका क्वेश्चन मैं छूट गया ऊपर बहुत जल्दी ये जा रहा है चैट हो सर थोड़ा बताओ एक्सपोर्ट के बारे में क्या एक्सपोर्ट करना है आपको मैं समझा नहीं सर मोनो रिकॉर्डिंग स्टीरियो रिकॉर्डिंग क्या है मोनो मतलब सिंगल सीरियो मतलब डबल लेफ्ट एंड राइट को स्टीरियो बोलते हैं बस इतना ही डिफरेंस है सर वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ओजोन खरीदना बट आई रिमिक्स रिटफि ठंडी हवा सॉन्ग आई मिक्स इट प्रॉपरली बट मास्टर के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है प्लीज़ हेल्प मी क्या रहे दीपांशु यही तो प्रॉब्लम है अभी अभी आपने ओजोन कैसे मिक्स किया मुझे मालूम नहीं है तो मास्टरिंग के लिए क्या प्रॉब्लम अच्छा तो होना चाहिए आपका मिक्सिंग अच्छा होगा तो मास्टरिंग ईजी होना चाहिए आपको एफ एल स्टूडियो का मैंने आपको लिंक ऑलरेडी डाला है हेल्प बाय मैंने शायद आपके एक कमेंट में डाला था मुझे अच्छी तरह याद है आप वापस पूछ रहे हो मुझे इमेज लाइन डॉट कॉम में जाइए उधर पूरा रेट्स दिया हुआ है मैं एफ एल स्टूडियो नहीं बेचता हूँ आप जाके इमेज लाइन डॉट कॉम में जाके चेक कर सकते हो नहीं तो गूगल पर चेक कर सकते हो कोई मुझे सौ रुपए तेज कर देगा भूख लग रही है परकुशन मैट्रिक्स क्या हो गया आपको ये सौ रुपये समझा नहीं मैं <laughs> इंटरनेशनल लोग अभी इधर आके भी करने लगे आप मजाक तो नहीं कर रहे ना क्वेश्चन मैट, मैट्रिक्स प्रोजेक्ट सेव करके रीओपन कर सकते हैं क्या डेफिनेटली yes, कर सकते हैं डेमो में नहीं कर सकते डेमो में हम लोग सेव नहीं कर सकते सर मलयालम में बात करके दिखावे एक बार ब्लैक ड्रॉप आपका नाम क्या है मैं आपका नाम मलयालम में बात करके बताता हूँ ठीक है मुझे लिखना पड़ना नहीं आता मेरे लेकिन मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा बहुत सर यू डिजर्व वेरी मच सक्सेस एज यू आर अ ग्रेट टीचर थैंक यू सो मच ओम कॉपी पेस्ट कर लो क्वेश्चंस को बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा पर <laughs> मुझे बीट बनाना सीखना है बिकॉज बीट खरीदना का पैसा नहीं है बीट बनाना सीखना तो आसान नहीं है भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा ना तो इसलिए डेफिनेटली मेहनत करो आपको मिलेगा सर आपने म्यूज़िक प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट किया था आई I मीन mean, आपने डॉ यूज़ किया था या हार्डवेयर गियर से हमने जब शुरू किया था डॉ नहीं था मेरे भाई उस टाइम पे हार्डवेयर था फिर नाइनटीन uh, नाइन्टी के बाद या 2000 में हम लोग को डॉ मिला विच इज़ क्यूबेस का सबसे पहले यूज़ किया था हमने तो हम लोग पहले हार्डवेयर में काम कर रहे थे सर साउंड डिज़ाइन और ऑडियो इंजीनियरिंग में फ़र्क क्या है ऑडियो इंजीनियरिंग के अंदर पूरा हार्डवेयर में हम लोग सीखते हैं साउंड डिजाइनिंग जो है एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर यू हैव टू डू साउंड डिज़ाइनिंग आपके इंस्ट्रूमेंटेशन जो है सेलेक्ट करते हैं आप लोग उसको साउंड डिज़ाइनिंग बोलते हैं आप प्लीज़ एक सर्टिफिकेट के बारे में भी बोलिएगा कौन सा सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हो आप मैंने ऑलरेडी बता दिया जो कॉपरेट सर्टिफिकेट है आप सॉन्ग से ले सकते हो सर बॉलीवुड सिंगिंग स्टूडियो में कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं बता सकते हैं मैं समझा नहीं बॉलीवुड सिंगिंग स्टूडियो में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो लोग ज़्यादातर प्रोटूल्स यूज करते हैं प्रोटूल्स uh, वाला uh, हर बड़ा स्टूडियोज में प्रोटूल यूज़ करता है हम लोग भी प्रोटूल यूज़ करते हैं यस आई नो दैट डूइंग ग्रेट जॉब सर कीप डूइंग वी ऑल आर ऑलवेज विथ यून फॉर थैंक यू सो मच ताहिर फॉर योर सपोर्ट आई रियली अप्रिशिएट दैट गुड नाइट सर गुड नाइट हेल्प बाई सर पियानो रोल में आपने कैसे करो मोनोर स्टीडियो पियानो रोल में मोनो स्टीरियो करने का क्या जरूरत है पियानो रोल आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ही आप सेलेक्ट करने का मोनो मोनोस्टिओ सर प्लीज़ आप सिगरेट पीना कम कर दो मैंने अभी तक एक भी सिगरेट नहीं मारा मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों uh, तो दोस्तों यस अभी इत, आज के लिए इतना ही अभी ऑलमोस्ट एक घंटा होने को आ गया तो अभी जाना है खाना खाना है सोना है और कल क्लासेस भी है मेरे स्टूडेंट्स के जो अभी ज्वाइन किया हुआ है और जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो नेक्स्ट सेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो डी जे नीओ डी एक्स बी एट जी मेल डॉट कॉम पर और जो मेबरशिप नहीं किया है मेम्बरशिप नीचे ज्वाइन बटन है आप दबा सकते हो डिफरेंट लेयर ऑफ मंबर्स है जितना जो आप लेयर uh, मेम्बरशिप लेंगे उसमें लिखा हुआ मैंने क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगा उसके हिसाब से मैं आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ ठीक है Uh, रकीब खान आजकल मैं लाइव क्लासेस नहीं करता मैं क्लासेस करके मैं लाइव डालता हूँ आ, मैं डाल देता हूँ वीडियोस क्योंकि लाइव जब आता हूँ मेरा क्लासेस होता नहीं है क्योंकि सब लोग इतना क्वेश्चन पूछता है अभी देख लीजिए चालीस लोग हैं चालीस लोग का चालीस क्वेश्चन है तो उसके कारण मैं लाइव में क्लासेस करना बंद कर दिया लाइव में मैं आके क्वेश्चन लेता हूँ आपका उसके बाद मैं चेक करता हूँ किस किसने क्या क्या लिया है फिर मैं लिखता हूँ फिर उसके बाद मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो उसके ऊपर ये ऑनलाइन कोर्स के बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा हमारा कंपनी से जो सर्टिफिकेट है विच इज़ दुबई रिकग्नाइज्ड स्टूडेंट एंड प्रोडक्श एल है हमारा कंपनी का नाम आप जाके चेक कर सकते हो वेबसाइट में स्टूडेंट एंड डी एच बी डॉट कॉम नहीं तो स्टूडेंट एंड प्रोडक्शन एल एल सी दुबई डाल सकते हो आप आप देख सकते हो बारह साल से हमारा स्टूडियो और बारह साल से मैं बच्चों लोगों को बारह साल नहीं उससे भी ज़्यादा साल से मैं ऑलमोस्ट तीन हज़ार चार हज़ार बच्चों लोगों को सिखा चुका हूँ प्रोडक्शन और डी तो हमारा सर्टिफिकेशन है विच इज़ वैलिड वर्ल्ड वाइड हमारा नाम अच्छा खासा है तो वोकल रिकॉर्डिंग मोनो करना चाहिए भाई मैंने ऑलरेडी बनाया शा, शानी तंबे आप ऐसे डालते मत रहो आपको ब्लॉक किया जाएगा शानी तंबे आप स्पैम मत कीजिए हमारा जो एडमिन है वो लोग आपको ब्लॉक कर देंगे देखो स्ट्रीम लैब से ऑलरेडी आपको मैसेजेस आ रहा है सौरभ कुमार सिंह आप भी ये देखो ये प्रॉब्लम हो जाता है कुछ कुछ लोग को जो है ना ये जो करते हैं ना ये हरकते अभी क्या बोलूं इनको मैं मेरे मुंह से ऐसा अभी गाली निकल रहा है मैं बोलना चाहता हूं लेकिन कंट्रोल कर रहा हूं मैं अपने आप को <laughs> दूसरे लोगों को पढ़ने भी नहीं देंगे ये लोग आप लोग स्पैम मत कीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ बहुत सारे लोग हैं जो सीरियसली इधर पढ़ना चाहते हैं आप लोग अगर स्पैम करेंगे उनका मैसेजेस मैं पढ़ नहीं पाऊंगा प्लीज समझिए मेरे बात को कर दे ब्लैक ड्रॉप अगर ऐसा नाटक कर रहा कर दे तू अडमिन है यार पूछने का जरूरत नहीं है कर दे <laughs> तो दोस्तों अभी आज के लिए इतना ही मैं इतना ही बोलना चाहता हूं मैं Uh, बाकी फिर अभी हम लोग कल मिलते हैं कल मैं एक वीडियो डालूंगा हाउस म्यूजिक के ऊपर एक वीडियो आ रहा हमारा और हमारे जो अली हुसैन आप मुझे मेल कर दीजिए मैं आपको पूरा डिटेल्स आपको भेज दूंगा क्योंकि अभी मैं इधर बताऊंगा मैं बता चुका हूँ ये हज़ार बार तो आप मुझे मेल कर दीजिए और उसके बाद मैं आपको मेल पे पूरा डिटेल्स भेज दूँगा तो सॉरी दोस्तों अभी मुझे जाना है बहुत भूख लगी है यार आप लोग भी लेट हो गया अभी ऑलमोस्ट ठीक है तो कल मिलता है छोटी सी ब्रेक के बाद कल भी मैं लाइव आऊंगा कल संडे है तो कल भी मैं रात को लाइव आऊँगा आप लोगों से बात करूँगा आज जिसने सॉरी बोल दिया उसको छोड़ दे यार सौरभ को छोड़ दे तो ठीक है दोस्तों थैंक यू सो मच तो मैं बोलना चाहता हूँ अगर जो भी नया लोग है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इधर हम लोग आ, म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में सिखाते हैं और ऑडियो इंजीनियरिंग के बारे में सिखाते हैं और आ, सीखते भी है मतलब सब लोग है इधर तो आइडियाज़ भी लेते हैं लोगों का हम लोग और उसके साथ साथ हम लोग और भी टेक के हिसाब से हम लोग बात भी करते हैं जो म्यूज़िक से रिलेटेड हो और ऑडियो हार्डवेयर के इससे रिलेटेड हो ठीक है बाकी सब आ, क्या जिसने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए वो बेल आई टी के लिए जो नोटिफिकेशन जो है उसके लिए आप वो बेल आइकाउंट दबा दीजिए और जो मेंबर बनना चाहते हो नीचे ज्वाइन बटन है आप चेक कर सकते हो क्या लेवल में आप मेंबरशिप बनना चाहते हो महीने के एक छोटा सा फीस है आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको मेरे से प्राइवेट ट्यूटोरियल चाहिए कोर्सेज चाहिए उसके लिए आप मेरा मेल पे मेल भी कर सकते हो ठीक है तो आज के लिए इतना ही तो मैं चलता हूँ दोस्तों थैंक यू सो मच मैं अगर किसी का मैं क्वेश्चन छोड़ दिया तो कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिए मैं उसका रिप्लाई करूँगा ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद बाय बाय